वह एक ऑलराउंडर थे जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और असाधारण फील्डिंग के लिए जाने जाते थे। वो भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर थे। वह स्टेडियम में दर्शकों की मांग पर छक्के मारते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के क्रिकेट के दिग्गज सलीम दुर्रानी की, जिनका 88 साल की उम्र में 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। यह वीडियो इस महान क्रिकेटर को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। सलीम दुर्रानी का जन्म 12 दिसंबर 1934 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। बचपन में ही उनका परिवार भारत आ गया था और वे जामनगर, गुजरात में रहते थे। सलीम साहब 1960 से 1973 तक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेले। वह बाएं हाथ के ऑलराउंडर थे। उन्होंने 1960 में दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया। सलीम साहब ने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले, जिसमें 1202 रन बनाए और 75 विकेट लिए। सलीम साहब के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 170 मैचों में 8545 रन शामिल हैं, जिसमें 45 अर्धशतक और 14 शतक शामिल हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने सौराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी खेली। दर्शकों से उनका खास रिश्ता था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब उन्हें 1973 में कानपुर टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया, तो दर्शकों ने नो दुर्रानी नो टेस्ट जैसी तख्तियां और नारों के साथ विरोध किया था। उन्होंने 1969 में एक मासूम और 1973 में परवीन बाबी के साथ चरित्र जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया। खैर, हमने बताया कि सलीम साहब जामनगर में रहते थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में दो प्रसिद्ध घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिताओं, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का जामनगर कनेक्शन है? कैसे? जामनगर जाडेजा राजपूतों द्वारा 1540 में नवा नगर के रूप में स्थापित की गई एक रियासत थी, जिसे बाद में जामनगर नाम दिया गया, क्योंकि जामनगर पर शासन करने वाले राजाओं को जाम साहब के नाम से जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि कुमार श्री रंजीत सिंह जी और कुमार श्री दुलीप सिंह जी जामनगर के राजा और महान क्रिकेटर थे, जिनके नाम पर भारत के दो सबसे प्रमुख घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है? आपने विनू मांकड़, करसन घावरी, सलीम दुर्रानी, अजय जाडेजा और रविंद्र जाडेजा जैसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के नाम तो सुने ही होंगे। ये सब जामनगर से हैं माइक्रोडोज। सलीम दुर्रानी साहब और उनके जीवन के बारे में बस इतना ही। हम भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।